नमस्कार, मैं हूं शरद व्यास। न्यूज ट्रैक के फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की सभी प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर कथित तौर पर अपमान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है। वीडियो में मंच पर बैठे राहुल कर्नाटक के कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ अपनी घड़ी दिखाते हुए इशारा करते हैं, इस कार्यक्रम को जल्द खत्म करें। राहुल मंच पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वह इस दौरान राज्य के सागर एवं गुना विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 28 अप्रैल को राष्ट्रपति सागर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। कोविंद इसके बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती हॉल में आयोजित एक संत कबीर के 620वें प्रकटोत्सव महोत्सव में भी शामिल होंगे। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश की सपा और मायावती की बसपा के साथ आने के बाद अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इससे निपटने के लिए कमर कस ली है। सपा के ओबीसी वोट बैंक और माया के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए योगी सरकार ने एक नया प्लान लेकर आई है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केस की सुनवाई 15 मई तक बढ़ा दी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने अपनी रिपोर्ट को सौंपते हुए कहा कि इस मामले में बड़े संवैधानिक बेंच को सौंपा जाए। रामचंद्रन ने कोर्ट से अपील की है कि राष्ट्रीय महत्व वाले इस केस की व्यापक तौर पर स्वीकृति जरूरी है। नए कप्तान श्रेयस अय्यर की नाबाद 93 रन की आक्रामक पारी के दम पर दिल्ली डेयरडेविल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मौजूदा सत्र का सर्वोच्चम स्कोर बनाने के बाद 55 रन से शानदार जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में अपनी संभावनाएं बचाए रखी है। न्यूज ट्रैक के फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजातर इन खबरों को देखने और जानने के लिए जुड़े रहिए newstracklive.com के साथ। नमस्कार।